टेस्टी फूड विद पूजा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तीखी, खट्टी और मीठी चटनी बनाना बताती हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बगल में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहले मैं आपको टमाटर की तीखी चटनी बनाना बताती हूँ। इसके लिए हम टमाटरों को बॉईल कर लेंगे और फिर हम उनका छिलका निकाल कर मिक्सर जार वाले जो पॉट होता है उस पॉट में डाल देते हैं। हमें ये चटनी पॉट में पीसनी है। इसी तरह हम सभी टमाटरों को छील लेंगे और फिर उसमें रोस्ट किया हुआ जो हमारा जीरा है, वो 2 चम्मच जीरा ऐड करते हैं। सफ़ेद नमक ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम काला नमक ऐड करते हैं। मिर्ची ऐड करेंगे, 2-3 लहसुन की कलियां, ज़रा सा अदरक, गरम मसाला पाउडर, इन सबको डालकर हम पीस लेते हैं। एक कढ़ाई में तेल डालकर उसमें हम सरसों के दाने डालते हैं, ज़रा सी कलर वाली मिर्ची ऐड करते हैं, फिर जो हमारा पिसे हुए टमाटर है वो डालेंगे। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आ गया है। यह चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे हम आलू की चाट में या फिर कबाब पराठों के साथ में खाने जाने वाली चटनी है। आप इसे ढोकला वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। 2 से 5 मिनट तक हम इस चटनी को अच्छे से बॉईल करते हैं। देखिए हमारी चटनी बॉईल होने लगी है। 5 मिनट हम इसे बॉईल करेंगे और हमारी चटनी अब बनकर तैयार हो चुकी है। दूसरी हम बनाते हैं हरी चटनी। इसके लिए हम धनिया को अच्छे से धोकर मिक्सी वाले पॉट में डाल देते हैं। धनिया को अच्छे से हमें 2-3 बार धुलना है। फिर उसके बाद हम इसमें 2-3 हरी मिर्ची और थोड़ी सी लहसुन की कलियां ऐड करते हैं। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें। ज़रा सा काला नमक यूज़ करेंगे, जीरा ऐड करते हैं, लाल मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़ा सा उसमें रोस्ट किया हुआ जीरा डालते हैं और जो मार्केट में फूल वाला धनिया आ रहा है वो धनिया डालेंगे और 2-2 पीस करके टमाटरों को उसमें डालते हैं। आप चाहें तो आपको हींग का फ्लेवर पसंद हो तो हींग भी डाल सकते हैं। और फिर हम इन सबको मिक्सर जार में पीस लेते हैं। हमारी चटनी पिसकर तैयार हो गई है। यह हरी चटनी पकौड़ों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो अब हम तीसरी जो हमारी चटनी है वो है अमचूर की चटनी। इसके लिए हम गैस पर एक पतीले गर्म होने के लिए रखते हैं और उसमें 1 गिलास पानी डालते हैं। फिर जो मेजरिंग वाला हमारा कप होता है उससे 1/2 कप अमचूर डालकर उसे अच्छे से घोल लेते हैं। इसका हमने पतला घोल बना लिया था और उसे हम जो गर्म पानी था उसमें डाल देते हैं। फिर उस भगोनी में हम 1 चम्मच मिर्ची ऐड करते हैं, ज़रा सा कलर ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ब्लैक काला नमक ऐड करते हैं। जो हमारी चटनी है वो पतली लग रही है, इसके लिए हम 1 चम्मच गेहूं का आटा लेते हैं और उसे अच्छे से घोल लेते हैं। अगर आपको गेहूं का आटा नहीं लेना है तो आप अरारोट भी ले सकते हैं। और इसे हम भगोनी में डालते हैं और चलाते हैं। हमें इसे लगातार चलाना है क्योंकि यदि हमने चलाया नहीं तो बीच में इसमें आटे की गुठलियाँ पड़ जाती हैं, तो इसे हमें चलाते हुए बनाना है। देखिए हमारी चटनी अब खोलने लगी है। देखिए अब ये गाढ़ी सी भी लगने लगी। हमने इसमें जो आटा ऐड किया है इसके बाद हम इसे 5 मिनट तक अच्छे से खौलाते हैं,
जिससे कि जो हमारा आटा है वो अच्छे से पक जाए। फिर हम उसके बाद इसमें गुड़ ऐड करते हैं। गुड़ हमने मेजर वाली कप से ही लिया है, आधा कप अमचूर लिया था तो 2 कप गुड़ ऐड करते हैं और इसे हम अच्छे से चलाते हुए घोल लेते हैं। आप चाहें तो गुड़ की जगह चीनी का भी यूज़ कर सकती हैं। फिर हम इसमें रोस्ट की हुई सौंफ ऐड करते हैं, रोस्ट किया हुआ जीरा ऐड करेंगे, ज़रा सा गरम मसाला पाउडर डालते हैं और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।